अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल हैरियत से होने वाले हो। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत करना चाहूँगा, मैं तकरीबन 2-3 दिन एबसेंट रहा। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होता है, वहाँ पे मैंने आपको जो है वो अपडेट तो किया था कि मेरा जो है वो मोबाइल डेड हो गया था, इस वजह से जो है वो मैं 2 दिन एबसेंट रहा। बाकी मरी में कोई इतनी खास स्नो नहीं हुई, गिलियात साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्नो हमें देखने को मिली है, उसमें से काफ़ी सारा डेटा मेरा लॉस भी हो गया है। गिलियात साइड से काफ़ी सारी वीडियोस जो है मैंने कैप्चर की हुई थी, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर सका बिकॉज वो डिवाइस ही डेड हो गई और सारा डेटा जो है वो उसमें वेस्ट हो गया। तो देखें, यहाँ पर मरी माल रोड पर तो आपको स्नो नहीं देखने को मिल रही, लेकिन गिलियात साइड पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिल रही होगी। तो ये डिटेल व्लॉग होने वाला है माल रोड से, डिफरेंट क्लिप्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा यार, माल रोड पे हमें टूरिस्ट का भी आज काफ़ी ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट चल फिर रहे हैं। तो वैसे गिलियात साइड पर जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा स्नो है, इसी वजह से हमें यहाँ मरी सिटी में भी जो है वो टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे मरी सिटी के अंदर ही आप रहें और गिलियात साइड को एंजॉय करें। असल में गिलियात साइड पे बहुत ज़्यादा आपको जो है वो स्नो देखने को मिल रही है। तो ये सिटी जो है ना, ये मरी है, गिलियात साइड जो है वो सिटी नहीं है, सिटी के अंदर नहीं आता, तो इसलिए सिटीज़ के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो अयूबिया नथिया। तो मरी में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, होटल्स वगैरह अच्छे हैं और हर किस्म की ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इजी है। हम तो ये प्रीवियस स्पेल में स्नो को एंजॉय करने गए गिलियात साइड पे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ा। वेदर कितना खूबसूरत है, हमारा स्काई इतना खूबसूरत लग रहा है, 2 कलर्स के कम्बिनेशन में, वाइट कलर के क्लाउड्स और ब्लू कलर का स्काई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा यार, आप अगर ना यहाँ पे मरी सिटी के अंदर पहुँच चुके हो, अब आपको आगे स्नो को एंजॉय करने के लिए गिलियात साइड पे जाना है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने वाली है। यहाँ मरी माल रोड से ही ये मरहबा चौक है, यहाँ से आपको जो है वो डिफरेंट ये टैक्सी स्टैंड है, डिफरेंट गाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जो आपको छांगला टॉप, अयूबिया, नथिया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, छांगला टॉप जो है वो अयूबिया से पीछे है और नथिया गली से भी पीछे है, आप यहाँ से छांगला टॉप की बात ना करें बल्कि अयूबिया या नथिया गली की बात करें। वहाँ पर अयूबिया नेशनल पार्क है, वो भी अभी बंद है, तो गर्मियों में ही खुलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्नो हुई है। तो यहाँ से आपको छांगला टॉप के लिए जो है वो गाड़ियाँ 3,350 में लेके जाती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप छांगला टॉप तक ना जाएं, अभी रास्ते के लिए ना, आप स्नो को ज़्यादा आगे तक चल के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि अयूबिया नथिया गली तक आप चल के इंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ के भी यही 3,350 ही है, हाई रूफ़ वाले, ये देखें ये हाई रूफ़ खड़ी है और ये पीछे टैक्सी खड़ी है, ये डिफरेंट गाड़ियाँ जो हैं 3,350 में आपको गिलियात साइड पर अच्छी सैर करवा सकती हैं। शहर माल रोड की ये ऐसी जगह है जहाँ से आपको वेदर का अच्छा अंदाज़ा हो सकता है कि आजकल के डेट में मरी के अंदर कैसा वेदर चल रहा है। बाकी मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि दोपहर में जब धूप होती है तो इजी होता है, लेकिन शाम में काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें मरी के अंदर देखने को मिल रही होती है। बाकी इस डिवाइस के बारे में आप बताइएगा, मैं तो शाओमी का ही फ़ैन था तो शाओमी की डिवाइस पकड़ी है, इसमें वैसी वीडियो क्वालिटी तो शायद ना देखने को मिले, लेकिन आप बताइएगा कैसी है ये वीडियो क्वालिटी, कलर्स वगैरह कैसे हैं। अच्छा यार, आप लोग ना माल रोड के डिफरेंट क्लिप्स जो है वो एंजॉय करते आ रहे हो माल रोड की डिफरेंट लोकेशन से, तो हमें तो डिफरेंट जगहों पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट का रुझान देखने को मिला। सो वैसे अब मरी से सीज़न आउट हो रहा है, मरी को जो है वो अब ऐसे लोग कह रहे होंगे कि मरी के साथ बॉयकॉट हो गया इस सीज़न में, जो लोग यहाँ से बेचारे नाराज़ होके गए, डिसहर्ट होके गए, वो इस सीज़न को ना बॉयकॉट का नेम दे रहे होंगे,
मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए मरी में बिल्कुल भी टूरिस्ट का नामो निशान नहीं होगा, जस्ट वीरानगी होगी। है माल रोड जो है वो यहाँ के लोगों का क्रिकेट ग्राउंड बनने वाला है, दुकानदारों का, कारोबारी हजरात का। लेकिन अभी आप देख रहे हैं GPO चौक में भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। मैं रूम रेंट वगैरह भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आज हमें क्या रूम रेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो मरी माल रोड के लिए इंटर हो रहे हैं। शहर काफ़ी ख़ूबसूरत सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वेदर आज हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये मेन माल रोड का करीम पॉइंट है GPO चौक। देखें यहाँ पे कितनी जो है वो अभी इस टाइम पे हमें टूरिस्ट वगैरह देखने को मिल रहे हैं। बर्फ़बारी के बाद बर्फ़बारी हुई है इस प्रीवियस स्पेल में, लेकिन बहुत कम, बहुत हल्की सी हुई है। लेकिन तूफ़ान काफ़ी हैवी किस्म के हमें यहाँ पर तूफ़ान देखने को मिले, हवाएँ काफ़ी ज़्यादा चली हैं, तो बहुत ही अजीब सा निज़ाम देखने को मिला है। लेकिन कोई अच्छी स्नो नहीं देखने को मिली। तो अभी मरी से स्नो का सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब आप देखें माल रोड कैसा लग रहा है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया, अब 1 मंथ आगे मरी के अंदर बिल्कुल भी जो है वो टूरिस्ट का रुझान नहीं होगा, रश नहीं होगा। बाकी हमारी फ़्लैट सीरीज़ भी चल रही थी, बहुत सारे लोग फ़्लैट सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। आप, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होता है, पाकिस्तान के डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे डिफरेंट लोग जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रूम रेंट पर हम थोड़ी सी ना डिस्कशन करना चाहेंगे। देखें फ्रेंड्स, अब मरी से सीज़न आउट हो चुका है। हमें ना वो दिन मुझे याद है जिस दिन लाइव स्नो हो रही थी, 60,000 में भी हम बड़ी मुश्किल से हमने रूम सिक्योर करवाए थे। हमारी यूट्यूब फैमिली में से कोई आ रहा था। लेकिन आजकल की हम डिस्कशन करें ना, तो आजकल तो इजीली हमें जो है वो 4,000 में, 3,000 में भी सेंट्रली हीटेड रूम्स इजीली मिल जाते हैं। लेकिन उसमें ये मसला होता है कि सेंट्रली हीटेड जो सिस्टम है उसको कम चलाया जाता है, क्योंकि होटल्स फ्री पड़े होते हैं, खाली पड़े होते हैं, तो अब इतनी हीटिंग सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है। मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। तो यानी 5,000, 6,000, 4,000 में इजीली हमें अच्छे रूम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और नीचे अगर हम जनरल बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर तो और भी ईजी है, 2,000 में भी ईज़िली हमें रूम्स देखने को मिल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आज की एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी कंटेंट की क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कोई अच्छी डिवाइस आती है, अच्छा मोबाइल आता है, तो हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे। वैसे पोको बड़ी अच्छी डिवाइस थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत जो है वो उसको रफली यूज़ किया, बहुत सारा डेटा था उसमें, तो इसलिए शायद वो डेड हो गया। काफ़ी जो है वो उस पर मैंने वर्किंग की। तो आप ओपिनियंस का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।